हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। और इस चैप्टर में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से रिबेलियन जो है वो कहाँ तक पहुंची, मेरठ से कहाँ पहुंची, दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पहुंचे सैनिक, बहादुर शाह जफर के पास, और उसको परसवेड करते हैं उनको लेड करने के लिए, लीडरशिप के लिए। अब एम्परर बहादुर शाह जफर जो है वो बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उनमें और ज़्यादा हिम्मत होती नहीं है ब्रिटिशर्स को रेसिस्ट करने की। लेकिन जब ये आर्मी सोल्जर्स जो है वो उसको रेसिस्ट करते हैं या सॉरी परसवेड करते हैं, जबरन मनाते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं और अपने जो लोकल रूलर्स हैं, चीफटेंस हैं, उनको संदेश भिजवाते हैं और वो भी एग्री कर जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक बार फिर से उम्मीद जाग जाती है। किस बात की, कि एक बार फिर से अगर एम्परर बन जाता है बहादुर शाह जफर, तो एक बार फिर वो भी अपने अपने छोटे छोटे टेरिटरीज पर शासन कर पाएंगे, जहाँ से उनको ब्रिटिशर्स ने डिप्राइव कर दिया था। तो ये हम कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें आगे डिस्कस करना है कि किस तरीके से रिबेल जो है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली, किस तरीके से सब ने इस रिबेल में हिस्सा लिया, पढ़े लिखे लोग जो थे या अन्य। यानी आज हमें डिस्कस करना है कि एक सिपाही म्यूटिनी जो है वो शुरू हुई थी और किस तरीके से ये फैल जाती है पूरी इंडिया में। तो आज हमें डिस्कस करना है द रिबेलियन स्प्रेड्स, कि क्रांति जो है वो किस तरीके से फैलती है। ठीक है, आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। कि जब दिल्ली से अंग्रेजों को रूटेड कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो एक सप्ताह तक किसी प्रकार का कोई अपराइजिंग वहां पर नहीं हुआ। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज टू ट्रेवल, क्योंकि उस समय सूचना जो है, न्यूज जो है, समाचार जो है, उसको पहुंचने में भी बहुत वक्त लगता था। देन स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगिन, और फिर 7 दिन तक शांति से रहने के बाद जो है क्या हो गया, फिर से क्रांति जो है वो शुरू हुई, यानी फिर से म्यूटिनीज जो है वो शुरू हो गई सिपाहियों की। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। अब एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट तक, यानी एक सैनिक टुकड़ी से दूसरी सैनिक टुकड़ी तक जो है ये क्रांति जो है फैलने लगी। अन्य सैनिक टुकड़ियां जो से नोडल पॉइंट्स थे दिल्ली के, कानपुर के, लखनऊ के, वो भी इस क्रांति में जुड़ने लगे। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. अब देखिए, इसके बाद ये क्रांति जो है आगे बढ़ने लगी। लोग जो है कस्बों के, गांवों के, ये लोग जो है ये भी इस क्रांति में शामिल हो गए और उन्होंने रैली बनानी शुरू कर दी, यानी घेराव शुरू कर दिया। किसके चारों ओर? लोकल लीडर्स जो थे, स्थानीय जो उनके नेतृत्व करता थे, जमींदार हैं, चीफ हैं, और ये जमींदार और चीफ जो है ये ऑलरेडी तैयार थे अपनी अथॉरिटी वापस लेने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को। अब देखिए, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। अब इसी संदर्भ में नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के क्या थे, दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बच्चे थे, अडॉप्टेड सन थे, जिनको पेंशन देने से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था, तो इनको भी उम्मीद जागी कि अगर मैं अंग्रेजों का विरोध करता हूँ तो हो सकता है मेरे पिता की जागीर मुझे दे दी जाए। तो ये कहाँ रहते हैं, कानपुर के पास रहते हैं, पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र होते हैं। ये एक बार फिर से आर्मी फोर्सेज, आर्म फोर्सेज जो है उनको इकट्ठा करते हैं और जो ब्रिटिश गैरिसन होता है कानपुर में, उसको वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती हैं।
ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और ब्रिटिश गैरिसन को निकालने के बाद वो अपने आप को कानपुर का पेशवा बता देते हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, उन्होंने घोषणा की कि वो बहादुर शाह जफर जो सम्राट हैं उन्हीं के तहत, उन्हीं के नीचे जो है अपने आप को क्या बता दिया, गवर्नर बता दिया, और कानपुर का पेशवा बन गए। कौन है? नाना साहेब। इन लखनऊ ब्रिजीज कादर द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब देखिए इसका असर जो है वो लखनऊ में भी देखने को मिला, कानपुर का तो पेशवा बन गया कौन, कानपुर पेशवा नाना साहेब। इधर लखनऊ में वाजिद अली शाह जो है उनसे छीन लिया गया था ना, लखनऊ में वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिश कादर जो है उसको वापस बनाया गया। ठीक है, सन ऑफ वाजिद अली शाह। देखिए कि जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, डिपोज कर दिया था, वो एक बार फिर से नवाब बन जाता है। ब्रिजिश कादर कहाँ का, लखनऊ का, जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया था वाजिद अली शाह के समय पर, वाजिद अली शाह को, अब वो नया नवाब बन गया कहाँ का, लखनऊ का। ही टू एक्नॉलेज द सोवरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, और इसने भी सोवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है बहादुर शाह जफर की स्वीकार कर ली। जिस तरीके से नाना साहब ने अपने आप को बहादुर शाह जफर का क्या बताया, गवर्नर बताया, उसी तरीके से ये भी किसके तहत था, दोनों ही क्या थे, एम्परर के तहत, एम्परर के अंडर में क्या थे, कि मैं भी उसी की अधीनता स्वीकार करता हूं और उसी के तहत जो है लखनऊ का नवाब बना हूं। हिज मदर बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against the British। और यहाँ लखनऊ में इसी ब्रिजिश कादर की माँ बेगम हजरत महल जो है उन्होंने भी सक्रिय हिस्सा लिया क्रांति को आगे बढ़ाने में अंग्रेजों के विरुद्ध। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel सिपाहीज एंड, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कौन सी, जो अपने पति की मौत के बाद जो है अपने गोद लिए हुए बेटे को झांसी का राजकुमार बनाना चाहती थी लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको मना कर दिया था, वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी सिपाहियों के साथ क्रांति में शामिल हो जाती है, क्योंकि उसकी भी डिमांड जो है ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, और वो भी क्या करती है, फोर्ट द ब्रिटिश अलोंग विथ टाटिया टोपे। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी तात्या टोपे के साथ जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इस क्रांति में शामिल हो जाती है। अब ये तात्या टोपे कौन था, द जनरल ऑफ नाना साहेब। तात्या टोपे नाना साहेब का जनरल था, उसके साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी मिल जाती है और क्रांति को आगे बढ़ाती है। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। और देखिए अब मांडला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर थी रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ की थी, इसने भी लगभग 4,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि इससे भी इसका राज्य जो है वो अंग्रेजों ने छीन लिया था, और उसी की नाराजगी के चलते ये भी अपने 4,000 सैनिकों को तैयार करके अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई द रिबेल फोर्सेस। अब अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा इस रिबेल फोर्सेस से डर जाते हैं कि अब क्या होगा।
दे वर डिफिटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स, और अंग्रेज जो है बहुत सारी लड़ाइयों में हार भी गए थे। दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रिबेलियन। और जब अंग्रेजी साम्राज्य हिला तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि अब अंग्रेजी शासन जो है वो लड़खड़ा गया है और अब अच्छा हो सकता है। इस वजह से उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिल गया, थोड़ा अपने अंदर विश्वास आ गया कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को हरा सकते हैं। इस वजह से वो उन्होंने भी क्या कर लिया, प्लंज एंड ज्वाइन द रिबेलियन, वो भी क्रांति में कूद पड़े, यानी शामिल हो गए क्रांति करने में। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. और ऐसी ही क्रांति की एक लहर जो है, स्थिति जो है, वो कहाँ विकसित हुई, अवध के क्षेत्र में भी हुई, खास तौर पर क्योंकि अवध का नवाब जो है उससे भी उसका राज्य अंग्रेजों ने कुशासन का नाम लेकर छीन लिया था। On 6 August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British. और अब 6 अगस्त 1857 को हम क्या देखते हैं कि एक टेलीग्राम भेजा जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर के द्वारा अपने कमांडर इन चीफ को, और उस कमांडर इन चीफ को जो लेटर लिखता है उसमें वो अपना डर बताता है कि अंग्रेजों के अंदर भारतीय क्रांतिकारी जो थे उनके प्रति एक भय था, वो भय उसने उस लेटर में बताया। तो क्या लिखा उसने, अवर मैन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज्ड टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग, कि हमारे आदमी जो है वो डर गए हैं कि By the numbers opposed to them, कि कितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं, and the endless fighting, और एक अनंत लड़ाई चल रही है। Every village is held against us, हर गांव जो है हमारे विरुद्ध खड़ा है। The जमींदार्स have risen to oppose us, यहाँ तक कि हर गांव के जमींदार जो है वो भी हमारा विरोध कर रहे हैं। Many new leaders came up, और जब ये लोगों को पता लगा कि हाँ अंग्रेज जो है वो डरने लगे हैं, तो अब कुछ नए नेता जो है वो उभर कर आए क्रांतिकारियों में। अब तक तो कौन था, बहादुर शाह जफर ही था, अब नए नेता जो है वो भी उभर कर आ गए। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद प्रोफेसाइज दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। ये अहमदुल्ला शाह जो है ये फैजाबाद के एक मौलवी थे, और इन्होंने भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की, कि अब अंग्रेजों का शासन जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ही कोट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, और अब ये मौलवी जो है इन्होंने लोगों की कल्पना को पहचान लिया और उनकी इमेजिनेशन को पकड़कर इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो सपोर्टर्स की तैयार कर ली। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। अब ये अहमदुल्ला शाह जो है ये अपनी सेना लेकर लखनऊ आता है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। और दिल्ली में क्या हुआ, गाजीज यानी धार्मिक योद्धा जो थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है मुगल था, और मुसलमान जो थे यानी रिलीजियस वॉरियर्स जो थे यानी मौलवी वगैरह काजी वगैरह ये जो धार्मिक योद्धा जो थे गाजीज, ये बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और इन वाइट पीपल को, गोरे लोगों को वाइप आउट करने के लिए एक साथ शामिल हो जाते हैं। अब आता है बख्त खान ए सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु कम टू दिल्ली। अब ये बख्त खान जो है ये बरेली की सैनिक टुकड़ी का एक सैनिक होता है, ये भी अपनी सैनिक टुकड़ी का चार्ज ले लेता है और लार्ज फोर्स जो है फाइटर्स का यानी जो लड़ने वाले योद्धा जो है इस क्रांतिकारी जो है उनके एक बहुत बड़े टुकड़े का चार्ज अपने हाथ में ले लेता है और दिल्ली आ जाता है बख्त खान भी। He became a key military leader of the rebellion. अब इस क्रांति का जो मुख्य कुंजी वाला जो यानी मेन जो मिलिट्री लीडर होता है उसी का की बन जाता है कौन, बख्त खान। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइंड द रिबेल सिपाहीज एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। बिहार में एक बूढ़ा जमींदार होता है कुंवर सिंह,
वो भी इन सैनिकों की इस क्रांति में शामिल हो जाता है और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता है। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइंड द फाइट। यहाँ तक कि कई नेता और योद्धा जो है पूरे देश से इस क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो जाते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हैं। अब ये तो था किसका, इंडियंस का, कि इंडियन रिबेलियन जो थे, इंडियन रिबेल्स जो थे वो किस तरीके से इन्होंने स्प्रेड की रिबेलियन को। ठीक है, अब देखिए इस क्रांति का जो भारतीयों ने जो क्रांति की इसके विरोध में या इसका जवाब जो है ब्रिटिशर्स ने कैसे दिया, कंपनी जो है वापस फाइट कैसे करती है वो हमें डिस्कस करना है। द कंपनी फाइट्स बैक, कि कंपनी जो है अब जो इंडियन रिबेल्स जो हैं उनका विरोध किस तरीके से करती है, उसका जवाब कैसे देती है वो हमें देखना है। अब देखिए हमारे चैप्टर में इस बॉक्स में क्या था वो हमें यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपकी बुक में ज़रूर अवेलेबल होगा तो आप उसको देख लें। जैसे इस तरीके से यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से या तो कोई फिगर रहा होगा, पोर्ट्रेट रही होगी वीर कुंवर सिंह की, जो कुंवर सिंह बूढ़े थे, बिहार के जमींदार थे जिन्होंने कई महीनों तक क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, उनकी तस्वीर होगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे द कंपनी फाइट्स बैक, कि कंपनी इस क्रांति का जवाब कैसे देती है। कौन सी कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. कि अब देखिए इस उतार चढ़ाव का कोई नाप कंपनी के पास नहीं था, इसलिए कंपनी जो है वो भी तय करती है कि इस विद्रोह का जवाब वो पूरी ताकत से देंगे। It bought reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. अब कंपनी ने इन क्रांतिकारियों का जवाब देने के लिए कुछ reinforcement जो है वो England से बुला लिया, यानी कुछ सैनिक शक्ति जो है वो इंग्लैंड से बुला ली। अब कुछ नए कानून जो है वो पास किए गए ताकि रिबेल्स जो है ये क्रांतिकारी जो हैं इनको आसानी से मुकदमा चलाकर जेल में डाला जा सके। और उसके बाद मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, इसके बाद क्रांति के जो तूफानी केंद्र जो हैं उन पर मूव करें। यानी अब कंपनी ने भी इन क्रांतिकारियों का जवाब देने का प्रयास किया और जवाब देने के लिए कुछ रेनफोर्समेंट इन्होंने पुनर्बलन जो है वो कहाँ से बुलाया, इंग्लैंड से बुलाया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है, द ब्रिटिश फोर्सेज इनिशियली फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली। ये दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली का जो किला जो था उसको सैनिकों ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो ब्रिटिश फोर्स जो है शुरुआत में बड़ा मुश्किल होता है उनको कि दिल्ली का जो हैवी फोर्टिफिकेशन जो है, जो भारी दीवार जो थी उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ऑन 3rd September 1857 reinforcement arrived and a 7 mile long siege train comprising cartloads of cannons and ammunition pulled by elephants। और उसके बाद ये reinforcement जो बुलाते हैं इंग्लैंड से जो और पुनर्बलन जिसमें कई सारी तोप वगैरह जो है वो आती हैं, जिसे 7 मील लंबी एक सीज ट्रेन आती है और उस ट्रेन में जो है ये देखिए कार्ट्स पर लदकर, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये कैनन्स तोप वगैरह जो है हाथी गाड़ियों को खींच रहे हैं और उनमें तोप जा रही हैं और एम्यूनिशन यानी गोला बारूद जो है वो हाथियों के द्वारा खींच कर ले जाया जा रहा है।
अब यहाँ पर जो डायग्राम है वो कुंवर सिंह की तस्वीर है, फिर ब्रिटिश फोर्सेज अटैक द रिबेल्स हु हैड ऑक्युपाइड द रेड फोर्ट। ये ब्रिटिश फोर्स जो है यानी ब्रिटिश सेना जो है वो उन क्रांतिकारियों पर हमला करती है जिन क्रांतिकारियों ने लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया है और दिल्ली के सालिमगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया है, तो उनके सामने ब्रिटिशर्स जो है युद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब ये कॉमेमोरेशन ऑफ तात्या टोपे की याद में जो है पोस्टल स्टैंप जारी की गई है वो तस्वीर है, यानी ये तात्या टोपे की तस्वीर है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने और प्रयास किए इन क्रांतिकारियों का विरोध करने के लिए। एक तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, कि उन्होंने इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट जो है बुलवाया, यानी बड़े बड़े कैनन वगैरह, तोप वगैरह, गोला बारूद वगैरह जो है वो इंग्लैंड से मंगवाया। उसके बाद कुछ नए कानून बनवाए जिनके तहत जो है आसानी से इन क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा सके, और उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर्स जो थे रिवोल्ट के उसमें पहुंचते हैं। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सेप्टेम्बर 1857। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है, क्योंकि गलती ये थी भारतीयों की सैनिकों की कि वो जीतते गए, आगे बढ़ते गए, पीछे वालों पर अंग्रेज फिर से कब्जे करते गए, तो इस तरीके से सितंबर 1857 में दिल्ली को एक बार फिर से रिबेल फोर्सेज से छीन कर अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया, यानी रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को। अब लाल किला वगैरह जो है क्रांतिकारियों के चुंगल से वापस छीन कर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। द लास्ट मुगल रूलर एम्परर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। और अब बहादुर शाह जफर पर क्रांति करने के एवज में मुकदमा चलाया जाता है, और मुकदमे में उसको क्या किया जाता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। अब 1858 में बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी बेगम जिन्नत महल दोनों को रंगून की जेल में डाल दिया जाता है। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। और बहादुर शाह जफर जो है रंगून की जेल में ही 1862 के नवंबर में मर जाता है। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबिलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। अब ये जो दिल्ली पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने एक बार फिर से, इसका अर्थ ये नहीं था कि क्रांति जो है वो खत्म हो गई थी उसके बाद। पीपल कंटिन्यूड टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। लोग लगातार अंग्रेजों का विरोध करते रहे और अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मेसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिबिलियन। इस लोकप्रिय क्रांति की जो ये बहुत बड़ी सेना जो थी इसको सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। अब देखिए, पहले इन्होंने दिल्ली फोर्ट को अपने कब्जे में किया, अब लखनऊ भी इन क्रांतिकारियों से मार्च 1858 में छीन लिया। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। अब रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको भी जून 1858 में क्या कर दिया गया, हरा दिया गया और मार दिया गया। ए सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, और ऐसा ही दुर्भाग्य किसका हुआ, अवंतीबाई का हुआ। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेड़ी चूज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स। अब ये अवंतीबाई जो थी, रानी अवंतीबाई जो थी, ये शुरू में तो क्या होती है, इसकी इनिशियल विक्ट्री होती है, जीत हो जाती है खेड़ी में, लेकिन जब वो चारों ओर से अंग्रेजों से घिर जाती है तो मौत को गले लगा लेती है, यानी मरना पसंद करती है बजाय अरेस्ट होने के। तात्या टोपे एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट ए गुरिल्ला वार विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। अब तात्या टोपे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ था वो जैसे तैसे करके इस युद्ध से बचकर जंगल में भाग जाता है और मध्य भारत के जंगलों में भाग जाता है और लगातार गुरिल्ला वार जो है यानी छुपकर युद्ध जो है वो अंग्रेजों के साथ करता रहता है। किसके सपोर्ट से, बहुत से जनजातीय और किसान नेताओं के सपोर्ट से। ही वॉज कैप्चर्ड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859।
लेकिन अप्रैल 1859 में आते आते तात्या टोप्या जो है उसको भी पकड़ लिया जाता है, उस पर भी मुकदमा चलाया जाता है और फिर मार दिया जाता है। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज्ड रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज इनकरेज्ड डेजर्शंस। जैसा कि विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश कि अंग्रेजों के विरुद्ध पहले भारतीय सैनिक जो है वो जीत रहे थे, उन्होंने क्या किया, रिबेलियन को और ज्यादा प्रोत्साहित किया। अब द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज एनकरेज्ड डेजर्शंस, तो अब जब क्रांतिकारियों की हार होने लगी तो थोड़ी पहले इनकरेज हुए तो अब डिक्रेज भी होने लगे, उनका साहस कमजोर पड़ने लगा। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, और इधर अंग्रेजों ने भी पूरा प्रयास किया लोगों का विश्वास जीतने के लिए। एक बार फिर से दे अनाउंस रिवार्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। अब उन्होंने घोषणा कर दी अंग्रेजों ने कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स जो थे अंग्रेजों की तरफ से, जो लैंड होल्डर्स जो थे लॉयल जो थे अंग्रेजों के प्रति, उनको अनुमति दे दी कि वो अपने पारंपरिक अधिकार जो है वो अपने जमीन पर रख सकते हैं। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, और जिन लोगों ने क्रांति की थी उनके सामने भी कंडीशन रख दी कि अगर वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं अंग्रेजों को और अगर उन्होंने किसी भी गोरे व्यक्ति को यानी अंग्रेज को नहीं मारा है तो क्या होगा, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। और अगर उन्होंने क्रांति के दौरान किसी अंग्रेज को नहीं मारा है तो वो सुरक्षित रहेंगे, उनके अधिकार जो है या उनकी जमीन जो है वो उनको दे दी जाएगी, नहीं हटाया जाएगा। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। इसके अलावा कई सौ सिपाही हैं, क्रांतिकारी हैं, नवाब हैं, राजा हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था उनको क्या किया गया, पकड़ा गया और उन पर मुकदमे चलाए गए और फांसी पर लटका दिया गया। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से क्रांति चारों ओर फैली और उस क्रांति के जवाब में अंग्रेजों ने क्या किया। अब आफ्टरमैथ, युद्ध के बाद यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके क्या रिजल्ट्स निकले थे, क्या हुआ था उसके बाद, भारतीयों के साथ कैसा बिहेव हुआ या ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको हम डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि किस तरीके से क्रांति फैली और अंग्रेजों ने इस क्रांति का जवाब कैसे दिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।